प्रॉपर्टी है, कैंसर एक डिजीज है जो सेल का प्रॉपर्टी होता है, होता क्या है इसको समझना, ठीक है। हम लोग के बॉडी का जो सेल का लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है, कहने का मतलब एक उसका पर्टिकुलर टाइमिंग है, उस टाइम पे टाइमिंग पे वो मरेगा। तो जब हमारे बॉडी से कोई सेल डेड हो जाता है तो उसके जगह पे एक नया सेल का डिवीजन होता है। तो सेल का एक प्रॉपर्टी होगा सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कोई सेल, सपोज दैट मान लिया जाए कि एक सेल है वो एक टाइम पे डेड हो गया, तो मरा तो एक ही सेल ना, तो और जब सेल है, क्योंकि हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल का डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग सेल के ही सेल से ही होता है। मतलब सेल है, पहले से सेल वहां पे प्रेजेंट है, वही सेल डिवाइड करेगा और वो फिर नंबर ऑफ सेल या सेल का जो डिवीजन है करके वो उसका फुलफिल करेगा। सपोज मान लिया जाए हमारे बॉडी में एक सेल है वो मर गया, एक टाइम पे वो मर गया, तो इसके जगह पे एक सेल बनना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है वो समझना, एक सेल बनना चाहिए, ठीक है। बट ये एक सेल ना बन के ये एक से ज्यादा, मान लो 10 सेल एक टाइम पे बन गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर सेल, ठीक है, या फिर हम इसी को बोलते हैं कैंसर। एक्चुअली कैंसर जो सेल का प्रॉपर्टी है उसको वो चेंज करता है। तो अगर हम कैंसर को डिफाइन करना पड़ेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड या फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, या फिर हम बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों? क्योंकि हमको बॉडी में चाहिए 5 और हो रहा है कितना, 50। एक एग्जांपल है कि हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उससे ज्यादा ही मिल रहा है, तो वही बोलता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब ग्रोथ में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, सेल के ग्रोथ में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, सेल के डिवीजन में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर या कैंसर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आखिर कैंसर में भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो अगर 5 सेल मर रहा है तो उसके लिए वो 5 को ही डेवलप करेगा, ऐसा तो होगा ना। तो नॉर्मल सेल अगर बात करें, नॉर्मल सेल की बात करें, तो नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसमें ये जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को इनहिबिट करने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए ये सेल है, इसमें ये प्रॉपर्टी है, तो ये अगर मान लो मरेगा, ठीक है, तो दूसरा सेल अगर डेवलप होगा तो उसके अलावा और कोई दूसरा सेल नहीं होने देगा, नहीं डिवीजन होने देगा। लेकिन जैसे ही सेल का प्रॉपर्टी होता है, सॉरी, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है वो अगर लॉस कर जाता है, वो अगर लॉस कर गया तो जहां चाहिए हमको एक, वहां पे हो सकता है वो 10 कर दे, क्योंकि वो सेल का प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी नॉर्मल सेल का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी अगर लॉस कर जाता है तो इसको भी हम लोग कैंसर सेल बोल सकते हैं। मतलब कैंसर सेल का मेन कारण क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी, एक नॉर्मल सेल क्या करता है, वो लॉस कर देता है। कंट्रोल सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, इसको कैंसर। आखिर अनकंट्रोल क्यों होगा, उसके लिए सेल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। नॉर्मल सेल का क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करने का, कि अगर वो सेल का फुलफिल हो चुका है वो एक्स्ट्रा सेल को डिवीजन करने नहीं देगा। यही नॉर्मल सेल का अगर प्रॉपर्टी, नॉर्मल सेल का जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है वो अगर लॉस कर गया तो वहीं पे कैंसर कॉजिंग सेल या फिर ट्यूमर सेल हो जाता है, ये है। अब हम लोग इसका डिवीजन पढ़ते हैं, क्योंकि कैंसर सेल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, कैंसर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कैंसर सेल का जो 2 टाइप है, या फिर कैंसर का 2 टाइप है, एक को बोलते हैं बिनाइन, बोलते हैं बिनाइन, और एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट। क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट। तो बिनाइन जो है, बिनाइन को भी सिंपल समझना है, बिनाइन एक ऐसा कैंसर या ट्यूमर सेल है जो कि कोई एक पर्टिकुलर साइट पे प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर साइट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बिनाइन, ठीक है। लेकिन अगर वो उस साइट से स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा, सपोज दैट मान लिया जाए कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है सपोज दैट, तो उसके इस पार्ट में सबसे पहला ट्यूमर मिला,
क्योंकि ट्यूमर सेल ही एक्सट्रीम कंडीशन पे जब जाता है तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मानो ट्यूमर सेल मिला, तो ट्यूमर सेल जब मिलता है तो ये एक पर्टिकुलर साइट पे है, ठीक है, ये मान लो साइट वन हम लिख दें, ये पर्टिकुलर साइट पे, इसी को हम लोग बोल देंगे बेनाइन। लेकिन जब इस साइट से पूरे बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड करना चला जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब एक तरह का मैलिग्नेंट कैंसर, मतलब पूरे बॉडी में वो स्प्रेड कर चुका है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि मैलिग्नेंट जो हुआ तो उसमें भी एक बोल सकते हैं बिनाइन जो है वो स्प्रेड हो रहा है, तो मैलिग्नेंट हो रहा है, तो मैलिग्नेंट के भी फेनोमेनन को हम लोग वहां पे एक फेनोमेनन को बोला जाता है। जैसे सपोज मान लो बिनाइन हुआ, अब बिनाइन स्प्रेड करके मैलिग्नेंट कहलाता है, तो बिनाइन जो स्प्रेड करता है ये भी एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इसको ध्यान रखना, ठीक है, दो वर्ड आया है, एक है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन और एक होता है मेटास्टेसिस। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन में क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, एक नॉर्मल सेल के पास कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी है जिससे वो अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन को रोक सकता है। अगर वो नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा तो वही डिवीजन जो है उसको रोक नहीं पाएगा, वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और वही कैंसर कहलाता है। उस हिसाब से कैंसर जो होता है वो दो टाइप का है, एक है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। एक बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन में वो एक पर्टिकुलर साइट पे प्रेजेंट होगा, वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं किया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन। और जब मैलिग्नेंट की बात करते हैं तो मैलिग्नेंट मतलब वही जो एक साइट पे प्रेजेंट है ट्यूमर, वो पूरे बॉडी में अगर स्प्रेड हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये जो स्प्रेडिंग का फेनोमेनन है उसको तो क्या बोलेंगे, ट्यूमर है वो स्प्रेड होके मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो स्प्रेडिंग है, वो जो मैलिग्नेंट का कन्वर्शन है, उस फेनोमेनन को क्या बोल रहे हैं, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है। समझ में आया तो दिक्कत बोलो। हाँ, तो सबसे पहले ये बताओ कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्यों कन्वर्ट होता है, नॉर्मल सेल कैंसर सेल क्यों कर देगा, या फिर नॉर्मल सेल में ऐसा क्या चीज है जो कि अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक सकता है, कौन सा प्रॉपर्टी, आंसर करो अभी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हाँ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ये तो जानते हैं कि कैंसर जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये किसके कारण होता है। तो नॉर्मल सेल का जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वही लॉस कर जाता है तो वो अनकंट्रोल वे में ग्रोथ करेगा, और अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कराएगा तो वही चीज को वो रोक के रख सकता है, ठीक है, ये चीज है। और दूसरा बिनाइन का मतलब क्या बताए, कि एक पर्टिकुलर साइट पे अगर ट्यूमर प्रेजेंट है तो वो बिनाइन हो गया, और वही अगर स्प्रेड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट। और ध्यान रखना, जो स्प्रेडिंग का फेनोमेनन है नॉर्मल टू बिनाइन टू मैलिग्नेंट में अगर जाता है, इस ये जो स्प्रेडिंग का फेनोमेनन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और अगर तुम कैंसर का टाइप पढ़ोगे तो चार पांच टाइप का है, जैसे लिकोमिया है, ठीक है, जैसे ब्लड कैंसर, और फिर स्किन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, ब्रेन कैंसर है, बहुत सारा कैंसर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला बात ये जानना पड़ेगा कि जो कैंसर, सपोज दैट मान लिया जाए कोई सेल है वो नॉर्मल सेल का जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी वो लॉस कर गया है, तो उस सेल का वो क्या टर्म दिया हुआ है, वो ऑन्कोजन, क्या दिया हुआ है, ऑन्कोजन। अगर कोई नॉर्मल सेल, ठीक है, जब वो चेंज होके ऑन्कोजेनिक हो जाता है तो वही कैंसर काउजिंग सेल है या वही ट्यूमर सेल कहलाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें जो है कैंसर का काउजिंग, जो है कैंसर काउजिंग में हम बताए ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मान लिया जाए कोई एजेंट है, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंजिंग होगा, क्योंकि सेल का डिवीजन कहीं ना कहीं बॉडी का जो सेल के अंदर में जेनेटिक्स है वो कंट्रोल करता है, अगर उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होगा और चेंज होने के बाद जो फॉर्म होगा, अच्छा रुको,
संतोष जी, यस सर। वीडियो क्यों रुक गया मेरा, देखिए तो थोड़ा। यहाँ तो चल रहा था सर, अभी रुका हुआ है। अभी पॉज किए हैं क्या? नहीं नहीं पॉज नहीं, चल रहा है आप? हाँ आप, यहाँ तो चल रहा है सर। सुनिधि का नहीं चल रहा है, सुनिधि एक बार फिर से रिफ्रेश करो, देखो। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए कैंसर क्या था, बिनाइन समझ गए, मैलिग्नेंट समझ गए। हम लोग आ रहे थे कि कैंसर काउज कैसे, कैंसर काउज होता है, ठीक है। टाइप ऑफ कैंसर भी है, कुछ कुछ पॉइंट है उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काउज ऑफ कैंसर हम लोग पढ़ेंगे। देखो तो सबसे फर्स्ट में हम क्या बता रहे थे कि अगर कोई सेल ऑंकोजेन हो जाता है, ऑंकोजेनिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, या ऑंकोजेन सेल बोलते हैं, वही ट्यूमर सेल या कैंसर सेल कहलाता है। नॉर्मल सेल से ऑंकोजेन में जो कन्वर्ट होता है, वही ऑंकोजेन बता रहे थे कि ऑंकोजेनिक क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी सेल का मतलब सेल है, उसके जेनेटिक मटेरियल में अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो इसी प्रॉपर्टी को, चेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है किसके लिए। देखो सपोज दैट, मान लो जैसे ये सेल डिवीजन है, ठीक है। सपोज दैट मान लो ये बेस पेयर है मेरे पास, ठीक है, ये मान लो बेस पेयर है मेरे पास, तो ये सेल के अंदर होगा। अब ये जो है ये क्या काम कर रहा है, सेल डिवीजन को, मैकेनिज्म को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, ये सही से नॉर्मल रेगुलेशन कर रहा है। अगर, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, अगर इसमें किसी तरह का चेंजिंग होता है ड्यू टू एनी फैक्टर्स या एनी एजेंट, किसी तरह का जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होता है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग हुआ, क्योंकि ये सेल के अंदर में अगर जेनेटिक मटेरियल का चेंजिंग होता है तो सेल के डिवीजन पे फर्क पड़ेगा, और जब वो सेल के डिवीजन पे फर्क पड़ जाएगा तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑंकोजेनिक प्रॉपर्टी, ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ? क्योंकि ऑंकोजेनिक, ऑंकोजेन हमेशा तुमको मिलेगा वर्ड, एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो ऑंकोजेनिक नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पूछ सकते हो। हम क्या बताया सर? हाँ ठीक है, हाँ यहाँ एक मिनट, मैं काम करो ना। पीने वाला, ठीक है, फ्रेश पानी भरना, वो बहुत दिन, दो दिन का हो गया। फ्रेश पानी डालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं क्या कि सेल, ये सेल है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान देना यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सेल में जो प्रॉपर्टी सेल डिवीजन है, इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है। किसके प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, उसके लिए जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है। अगर जो जेनेटिक मटेरियल सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग होता है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चाहे उसके कारण कोई भी एजेंट या फैक्टर डिपेंड करता हो, और इस प्रॉपर्टी के मेंटेन के लिए जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो किसी भी कारण से, उसके लिए चाहे कोई फैक्टर हो, चाहे कोई एजेंट हो, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, तो चेंज होने के बाद जो सेल का तुम फॉर्मेशन बोलोगे, या सेल जिस टाइप में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन या ऑंकोजेनिक कैंसर सेल। जैसे ही ऑंकोजेनिक हुआ, मतलब वो कैंसर सेल बन गया, या वो सेल जो है वो अनकंट्रोलेबल में ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएगा,
क्योंकि सेल के डिवीजन के लिए एक पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट या एक पर्टिकुलर जीन काम करता है, जो कि चेंज होने के कारण वो पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा हम लोग बोलते हैं। समझ में आया उनको जेनिक क्या होता है, दिक्कत? Yes, हाँ। अब नेक्स्ट जो है, एक होता है ट्यूमर प्रमोटर, ठीक है, और एक होता है ट्यूमर वायरसेस, ठीक है। इसमें देखना, ट्यूमर प्रमोटर कहने का मतलब कि हम लोग बहुत ऐसा, अभी तो तुम लोग केस नहीं देखे होंगे, बहुत सारा है कि हम लोग बोलते हैं कि अरे ट्यूमर था, ट्यूमर ही बाद में कैंसर बन गया, ठीक है। तो ट्यूमर क्या है, एक तरह का बॉडी में आउटग्रोथ है, सेल का आउटग्रोथ है, सेल का क्लस्टरिंग फॉर्म बन जाता है, ठीक है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं ट्यूमर, ठीक है। अगर ट्यूमर ट्रांसफॉर्म होके ओंकोजेनिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर ऑंकोजेनिक। क्या बोलेंगे, ट्यूमर ऑंकोजेनिक, या फिर बोलते हैं ट्यूमर प्रमोटर। कोई ट्यूमर प्रमोट होके ऑंकोजेन बन जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर प्रमोटर। ये दूसरा काउज है। तीसरा काउज है कि ट्यूमर वायरसेस, कुछ वायरसेस जो होता है, ठीक है, जो कि ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ऑंकोजेनिक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ऑंकोजेनिक बार बार वर्ड आ रहा है, तो ऑंकोजेनिक में हम लोग क्या पढ़े थे कि सेल को, जो सेल डिवीजन को जो कंट्रोल करने वाला जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसमें किसी भी तरीके से चेंजिंग होगा वो ऑंकोजेनिक कहलाएगा। अब कुछ वायरस है जो सेल डिवीजन के प्रॉपर्टी को, जो सेल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है उसको, कोई जीन अगर उसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल मतलब उसको नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पे ऑंकोजेनिक हो जाता है। मान लो कोई वायरस है, उस जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं वायरल ऑंकोजेनिक प्रॉपर्टी। समझ में आया, तीन हम बताए, मेन है ऑंकोजेनिक, नॉर्मल सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल किसी भी एजेंट, किसी भी केमिकल, किसी भी फैक्टर के कारण चेंज हो गया। दूसरा ट्यूमर प्रमोटर, ट्यूमर है बट वो सेल अभी ट्यूमर में है, लेकिन वो ट्यूमर प्रमोट करके ऑंकोजेनिक फॉर्म कर गया, मतलब वो भी किसी ना किसी तरह से अगर जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को वो चेंज कर दिया, तो वो ऑंकोजेनिक ट्यूमर कहला जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं ट्यूमर प्रमोटर, जो कि ट्यूमर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है तुम्हारा वायरस ट्यूमर, हम लोग बोलते हैं इसको ट्यूमर वायरस, ठीक है। जैसे सपोज इट, मान लो कोई एक ट्यूमर है, जैसे हम बताए ना कि कोई एक वायरस है जो कि ऑंकोजेनिक, नॉर्मल सेल से ऑंकोजेनिक प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ ट्यूमर ही बोल रहा है, ट्यूमर भी प्रोलिफरेटिव सेल है, उसमें भी सेल का ग्रोथ होता है, लेकिन वो कैंसर नहीं कहलाता है। ट्यूमर जो होता है उसमें कोई वायरस कनेक्ट हो जाता है और वो उसका सेल का प्रॉपर्टी, सॉरी जेनेटिक प्रॉपर्टी अगर चेंज कर जाता है तो वो ऑंकोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर वायरस है। तो यहाँ वायरस, एक जगह वायरस है, एक ट्यूमर प्रमोट करके कैंसर हो रहा, और एक नॉर्मल सेल जो कि डायरेक्टली कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो ट्यूमर हम वर्ड बोल रहे हैं बार बार, ट्यूमर को ठीक करा जा सकता है, लेकिन कैंसर को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। ट्यूमर हमेशा बोला जाता है कि कैंसर का इनिशियल फॉर्म जो है वो ट्यूमर है, अगर कहीं ट्यूमर मिलता है तो उसको हम एक्सरेज वगैरह, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कम खर्च में ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन वही ट्यूमर अगर कैंसर का फॉर्म ले लिया, या तो वायरस के कारण, या तो खुद ब खुद ऑंकोजेनिक में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर वहां पे उस प्रॉपर्टी को, उस मास ऑफ सेल को, या उस ट्यूमर को हम लोग क्या बोल देंगे, कैंसर सेल। यही चीज है इसमें, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि सर एक दो, हाँ, सुनिधि नहीं थी, अभी आई, फिर ज्वाइन कर रही है। सुनिधि आ गई है। अच्छा सुनिधि, कहाँ तक छूटा बताओ। बोलो सुनिधि, कहाँ तक तुम्हारा, तुम ये कर दिए थे, मतलब नेटवर्क छूट गया था, बताओ कहाँ तक समझे थे, बताओ। देखो हम तीन टाइप बताए हैं, ठीक है। एक है ऑंकोजेनिक, एक है ऑंकोजेनिक, ठीक है। दूसरा बताए थे
ट्यूमर प्रमोटर, और तीसरा बता रहे हैं ट्यूमर वायरस। इस तीनों में कौन सा तुम नहीं समझे थे, या फिर तीनों फिर से समझा दें, बोलो सर। हाँ बोलो। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो। कोई बात नहीं, अगर मान लो शुरू से तुमको समझना है कोई बात नहीं, बोलो शुरू से समझा दें। हेलो सुनिधि, आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ बोलो सुनिधि। यस सर, अभी ठीक है, आप क्लियर है? यस सर, फिर से बता दी तीनों। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो देखो। ऑन्कोजेनिक जो प्रॉपर्टी है, पहला नंबर ऑन्कोजेनिक, ये क्या होता है कि अगर कोई फैक्टर्स हो या एजेंट हो, सेल के जेनेटिक मटेरियल को अगर चेंज कर देता है तो वो ऑन्कोजेनिक हो जाता है। अब देखो हो क्या रहा है, सपोज इट मान लिया जाए सेल है, उसके अंदर में डीएनए होगा। अब डीएनए है तो जीन होगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, वो नॉर्मल, अभी नॉर्मल वो काम कर रहा है, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल में किसी कारण से कुछ एक्सचेंज हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चेंज हो जाएगा उसके प्रॉपर्टी में। तो कहीं ना कहीं जब जीन में चेंजिंग होगा, चेंज इन जीन, तो जीन में अगर चेंजिंग होगा तो क्या उसका सेल डिवीजन डिस्टर्ब होगा, तो सेल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे नॉर्मल काम नहीं करेगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल का चेंजिंग हो गया तो उसी को हम लोग बोल दिए ऑन्कोजेनिक सेल या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही ये काम हुआ वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हम बताएं ट्यूमर प्रमोटर, कोई नॉर्मल ट्यूमर है और वो भी ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूमर प्रमोटर, और इसमें ऑन्कोजेन। तीसरा बताया है कि ट्यूमर वायरस है, तो मान लिया कोई ट्यूमर इसको कन्वर्ट करने में, ऑन्कोजेनिक कन्वर्ट करने में वायरस का अगर हाथ है, वायरस अगर कनेक्ट होता है, वायरस रिस्पॉन्सिबल है ऑन्कोजेनिक करवाने में, तो वो ट्यूमर वायरस होता है। यही तीन कारण है जिसके कारण नॉर्मल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑन्कोजेनिक में। और ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी अगर हो गया या ऑन्कोजेनिक अगर हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसर सेल, या फिर बोलते हैं कैंसर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसका कॉज पढ़ेंगे। समझ गई, हम लिखवा देंगे आज, कोई बात नहीं, कैंसर लिखवाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका उसमें कुछ एनसीईआरटी में कुछ ना दिया नहीं है सही से, तो हम उसको लाइन वाइज लिखवा देंगे। समझ गए ना इसको? ठीक है चलो। yes. अब हम, हाँ अब हम लोग कैंसर को खत्म, टॉपिक खत्म करने के बाद हम इसका नोट भी लिखवा देंगे, दिक्कत नहीं, अभी पहले समझ लो। ठीक है, उसके बाद जो है इसका है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं किसके किसके कारण ये हो सकता है। ठीक है, तो किसके किसके कारण ये और हो सकता है, वो तो काउज ऑफ कैंसर में। अब वो जो ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी में जो चेंज करेगा तो उसका क्लासिफिकेशन है, ऑन्कोजेनिक एजेंट का लिए क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले फिजिकल एजेंट, दूसरा हो जाता है केमिकल एजेंट, तीसरा हो जाता है रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद फिर है चौथा बायोलॉजिकल, क्या होता है बायोलॉजिकल, चौथा है बायोलॉजिकल। ये सब एक तरह का एजेंट है, एक तरह का फैक्टर है जो कि नॉर्मल सेल से ऑन्कोजेन्स में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी ये लोग रखता है। अगर इस लोग को यूज हो गया, ज्यादा यूज हो गया बॉडी में, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल सेल ऑन्कोजेन में हो जाएगा कन्वर्ट, और वही ऑन्कोजेन कैंसर कहलाएगा। तो सबसे पहले फिजिकल, तो फिजिकल में दो तीन एग्जाम्पल बस तुमको समझना है। तो फिजिकल में जो एग्जाम्पल है वो हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो
कि बहुत ही ज्यादा कोई टोबैको खाता है, कोई स्मोकिंग करता है, तो वो फिजिकल में आ जाएगा, फिजिकल मतलब क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ऑन्कोजेन प्रॉपर्टी ऑन्कोजेन में कन्वर्ट करने के लिए जो एजेंट है, जो फैक्टर है, ये चार टाइप का एजेंट या फैक्टर हम ले सकते हैं। तो पहला है फिजिकल। फिजिकल में सिंपल समझो कि टोबैको, तंबाकू या फिर हम लोग बोल सकते हैं शराब पीना, स्मोकिंग वगैरह जो भी है, जितना भी नशीला वाला चीज जो है, नशा बोलता है ना, नशा छोड़िए स्वस्थ रहिए। रीजन यही है कि जो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में सब चीजों को कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है तो उसको कैंसर होने का खतरा, जैसे नॉर्मल थ्रॉट कैंसर सबसे ज्यादा होने वाला बीमारी इन इंडिया, उसको रिपोर्टेड किया गया। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ का आदमी सबसे ज्यादा स्मोकिंग करता है, इवन की गुटखा यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करता है, गुटखा सिगरेट वगैरह जो है, ये सब ज्यादा यूज करने से माउथ या थ्रॉट कैंसर होने का खतरा रहता है। हम लोग टीवी जब हॉल वगैरह में जाते हो गए तो देखना, वहां पे दिखाता है कि यहाँ 23 साल का था अमित कुमार, वो मर गया कैंसर से। क्यों भाई? तो ज्यादा तंबाकू खाना था तो उसका ये वाला पूरा थ्रॉट वाला पूरा काटना पड़ गया, मुंह का पूरा काटना पड़ गया। वो क्या? टोबैको यूज या फिर स्मोकिंग, पहला। दूसरा है केमिकल। तो केमिकल में कुछ ऐसा फूड्स है, कुछ ऐसा फूड मटेरियल, एक तो कॉमन एग्जांपल बताते हैं, कुछ ऐसा फूड्स है जो कि कैंसर काउजिंग केमिकल कंटेन करता है, जैसे एजिनोमोटो। अभी जैसे मैगी वगैरह बीच में बंद हुआ था, कि क्यों बंद हुआ था? क्योंकि उसमें एजिनोमोटो एक ऐसा केमिकल है जो कि उसमें डाला जाता था, ठीक है। और अभी भी इवन बहुत धड़ल्ले से ये यूज होता है ये केमिकल, क्योंकि ये केमिकल मिलता है चाइनीज सॉल्ट में। हम लोग चाइनीज फूड खाते हैं, मतलब चाउमीन, मतलब ठेला पे जो भी खा रहे हैं, चाउमीन वगैरह जो भी खा रहे हैं, तो उसमें जो एक तो नॉर्मल सॉल्ट जो आयोडाइज नमक है, ठीक है, वो है। लेकिन उसका टेस्ट को सही करने के लिए, उसका टेस्ट को बनाने के लिए वो चाइनीज नमक डाल देता है थोड़ा सा अमाउंट में, और वो चाइनीज जो नमक है वो डायरेक्टली एजिनोमोटो केमिकल कंटेन करता है, जिसके खाने से नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगा किस पे? ऑन्कोजन में, मतलब कैंसर काउजिंग वो एजेंट कहलाता है। इसीलिए जंक फूड, फास्ट फूड, जो भी स्ट्रीट फूड जो भी तुम लोग बोल सकते हो, उसको कम खाना चाहिए। और हम क्लियरली तुमको दो तीन चीज बता देते हैं कि जैसे जैसे चाउमीन में एजिनोमोटो कन्फर्म यूज होता है, और मोमोज, ये दोनों में कंफर्म होता है यूज तुम्हारा एजिनोमोटो का। एक और चीज है, अगर तुम लगातार 3-4 दिन तक तुम बाहर का चीज खाओ, मोमोज या फिर हम बोलते हैं ये चाउमीन वगैरह, तो एक आदत सा लग जाता। आखिर ऐसा क्यों? उस केमिकल का एक और डिमेरिट चीज क्या है कि जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर में जाएगा तो वो हमारे ब्रेन के रिसेप्टर को डायरेक्टली एक्ट करता है, ठीक है। मतलब वो फूड का जो बोलते हैं ना कि खाने का और मन करता है, बार बार करता है, फिर क्यों? वो एजिनोमोटो के कारण वो हमारे ब्रेन के रिसेप्टर से रिएक्ट कर जाता है, एक तरह का स्टिमुलेंट काम करता है, जैसे ही दिखेगा या फिर एक तरह का लत लगना, ठीक है। बोलते हैं ना कि लत लग चुका है, इसको लत बाहर का खाना ही खाएगा ही खाएगा, इसको घर पे खिलाओ, कहीं पे भी अच्छे जगह खिलाओ, लेकिन स्ट्रीट फूड खाएगा ही खाएगा, सिंपल सा चीज है। तो वो भी एक तरह का एजिनोमोटो का साइड, एक तरह का इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन के केस में ध्यान देना कि रेडिएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि रेडिएशन जो होता है वो एक तरह का यूवी रे का रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रे का रेडिएशन, जो यूवी रे वही चीज हो गया, एक्सरे का रेडिएशन, अगर वो कंटिन्यूसली बॉडी के बॉडी में मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जाए या उससे पास कराया जाए, तो जो नॉर्मल सेल होता है वो कन्वर्ट हो सकता है ऑन्कोजेंस में। किसमें कन्वर्ट होगा? ऑन्कोजेंस, मतलब कि सेल में जाएगा वो यूवी रे, एक्सरे जो भी है, और सेल डिवीजन को जो मेंटेन करने वाला जेनेटिक मटेरियल है, सेल डिवीजन को जो मेंटेन करने वाला जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो एबनॉर्मलिटी कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में आएगा ही आएगा। तो ये भी एक तरीका, ये भी एक रिएजेंट है, एक फैक्टर है, जैसे हम एग्जांपल में तुमको बताया कि यूवी रे, एक्सरे, कुछ कुछ और रेडिएशन के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे दिया है एक्सरे, कॉस्मिक रे और यूवी रे, ये तीन ही दिया है जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। जो जापानीज पीपल है वहां पे रेडिएशन जो है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो न्यूक्लियर बम हुआ था, तो वहां पे
जापानीज का जो अभी भी ये सब चीज देखने को मिलता है, और हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ये हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो वहां पे अभी भी, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा उसका रेज बुरा होता है, उसका अभी भी इफेक्ट वहां पे देखा जा सकता है, क्योंकि हमको लगता है कम से कम वर्ल्ड वॉर टू में ही ये चीज हुआ था, ठीक है। तो यूवी रे एक्सरे के एक्सपोजर में नहीं, जैसे मान लो हम लोग बाहर गर्मी में बहुत ज्यादा स्किन टोन, स्किन टैन जो होता है वो हो जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, सब बोलता भी है कि स्किन क्रीम, स्किन लोशन वगैरह लगाओ, जो भी है, ठीक है। मतलब क्यों बोलता है, क्योंकि एटमोसफेयर में इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो डायरेक्टली यूवी रे हमारे अर्थ पे स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और बोला भी जाता है कि ज्यादा स्किन, सॉरी, सन एक्सपोजर में रहने से स्किन इरिटेशन के साथ साथ में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो वही वो यूवी रे। अब एक लास्ट है तुम्हारा बायोलॉजिकल, सिंपल है, बायोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल एजेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वायरसेस, बैक्टीरिया, मतलब सिंपल है, जो पैथोजन नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करेगा ऑन्कोजेन सेल में, वही मतलब जो भी है, चाहे वायरस हो, या हम लोग ऐसे वायरस के बारे में पढ़ी है, मेनली वायरस ही होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस भी बोलते हैं, वो इसको कन्वर्ट करता है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। अब बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? Yes. ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है इसी में, इसका है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैलिग्नेंट वगैरह है, मैलिग्नेंट है तो उसमें कुछ कुछ डायग्नोस्टिक है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे उसको डायग्नोसिस करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बिना किसी डिजीज का साइन पता करना बहुत मुश्किल है, और ये कैसा डिजीज है जिसका साइन पता करने के लिए डायग्नोसिस जो होता है लेबोरेटरी वगैरह जो बोलते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं, ब्लड वगैरह देखे, वो सब वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है वो है हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंट। मान लिया जाए कि कोई कैंसर मैलिग्नेंट फॉर्म में चला गया या मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गया, तो पूरे बॉडी में स्प्रेड हुआ मिलेगा, वो सेल हर जगह मिलेगा, तो हम सबसे पहले वो एक हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर साइट का एक मास ऑफ सेल को लेंगे और इसका स्टडी करेंगे, तो वो हिस्टोलॉजिकल से हमको डायग्नोसिस हो सकता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी पता चल जाएगा ऑन्कोजेनिक है कि नहीं, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल हम स्टडी कर लेंगे, पहला। दूसरा है कि अगर बोन मैरो की बात करते हैं तो बायोप्सी है, बोन मैरो बायोप्सी एंड एबनॉर्मल काउंट ऑफ WBC, बोन मैरो बायोप्सी एंड एबनॉर्मल काउंट ऑफ WBC। देखो, जहां WBC का एबनॉर्मल काउंटिंग होता है, हम पहले भी बताए थे कि एड्स के केस में ऐसा हो जाता है, WBC घट जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा कुछ है, तो उसके लिए मान लिया जाए कि सबसे पहले कैंसर वगैरह केस में यही होता है, WBC का जो काउंट है वो घटते बढ़ते, ये एक डायग्नोस्टिक करने का तरीका है। दूसरा है पेप टेस्ट, जिसको हम लोग साइटोलॉजिकल स्टेनिंग टेस्ट बोलते हैं, मतलब सेल को स्टेन करके उसके प्रॉपर्टी को पता करना, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप टेस्ट। उसके बाद CT स्कैन, रेडियोग्राफी, MRI, ये सब जो है वो इंटरनल ऑर्गन, मान लिया कोई पार्ट है बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, अगर वहां पे ट्यूमर सेल दिख रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे, CT स्कैन, MRI वगैरह होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे तुम, ठीक है, कि जो इतना सारा हम लोग मैकेनिज्म समझे कि किस किस से हो सकता है डायग्नोस्टिक, लेकिन अगर तुमसे पूछ रहे कि बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर का बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कैंसर जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेरे सामने तो बहुत है, हिस्टोलॉजिकल है, पेप टेस्ट हो जाता है, फिर बोन मैरो में बायोप्सी कर लेंगे, या WBC का काउंटेबिलिटी देख लेंगे, या फिर MRI या CT स्कैन है, एक्सरे, इतना सारा कुछ, लेकिन मतलब बेस्ट डायग्नोस्टिक क्या है, तो ध्यान रखना ये मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और NCERT को नहीं मिलेगा, MRI होता है, और MRI इसलिए बेस्ट बोला जाता है क्योंकि MRI एक ऐसा डायग्नोस्टिक मतलब फेनोमेनन है जिसमें बॉडी का हर एक छोटा से छोटा इंटरनल पार्ट का वो इमेजिनेशन
खींच सकता है, इमेजिनेशन ले सकता है, तो वहां से ट्यूमर सेल का पता चल जाएगा। इसलिए एमआरआई इज द एग्जैक्ट आंसर, आंसर सब रहेगा जो कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बट एमआरआई याद रखना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन को बोला जाता है, समझ में आया। तो ये है तुम इसका डायग्नोस्टिक। अब हम इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका बहुत कुछ है, ठीक है, ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है। जैसे रेडियोथेरेपी में वही है, हम लोग जो जेनेटिक मटेरियल का सेगमेंट है उसको एक्सरे के थ्रू ठीक कर देंगे, वो है। उसके बाद कैमोथेरेपी है, ठीक है, कैमोथेरेपी में सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कैमोथेरेपी वो हाईली थोड़ा पेनफुल होता है क्योंकि कैंसर का दवाई खाना खाने से बहुत कुछ दिखने लगता है, जैसे बाल बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा पेन वगैरह करेगा। तो रेडियो, क्योंकि रेडियो में भी ये होता है क्योंकि एक्सरे बॉडी से पास कराया जाता है, कहीं ना कहीं पेन वगैरह तो वो होगा ही, कैमो में भी ऐसा होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है और कॉस्ट भी उसमें उतना ही है, मतलब बहुत ज्यादा पेन करता है, पैर हाथ बहुत पेन करेगा, बाल वगैरह झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो सब थेरेपी का एक एक नॉर्मल ये सब देखा जाता है। और एक होता है इम्यूनोथेरेपी, मतलब एंटी कैंसर एक डिफेंस सिस्टम डेवलप करा के उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है। तो काउज ऑफ कैंसर के लिए तीन, और ये उसका क्लासिफिकेशन, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए डायग्नोसिस के लिए, जैसे हम लिखे डायग्नोसिस, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है, काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी कर सकते हैं, काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग और क्या करेंगे, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टडी मतलब टिश्यू का स्टडी, कोई पर्टिकुलर एरिया का ग्रुप ऑफ सेल को ले लेना, टिश्यू को लेना, उसका स्टडी करें। पेप टेस्ट कर सकते हैं, पेप टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ साइटोलॉजिकल, मतलब सेल को स्टेन करके, साइटोलॉजिकल स्टेन करके इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और हम एक चीज बताए कि इतना सारे टेस्ट में जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, एमआरआई, क्या है, एमआरआई, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नोट्स लिख लेते हैं आज, ठीक है। अब जो अगला, अभी हम क्योंकि नोट्स इसका लिखा देते हैं, बहुत कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा और इसका नोट्स नहीं लिखोगे तो कुछ दिक्कत है, ठीक है। एक और चीज, सुनिधि और सोनल भी आई है ना, सुनिधि, बस सुनिधि ही है, चलो सुनिधि एक चीज बताओ कि एचआईवी का जो है स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में है नहीं, फिगर तो है नहीं, तो उसको नोट कर लेना, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करो टॉपिक दो, कैंसर, कैंसर मतलब हम लिखते जाते तुम लोग स्क्रीन शॉट लेते जाना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हाँ बोर्ड पूरा दिख रहा है ना सही से, यस सर, हाँ ठीक है, चलो इट इज एन एबनॉर्मल एंड अन Control growth of cell division. Cell division known as cancer cell. Known as cancer cell. सर उधर राइट साइड वाला बोर्ड नहीं दिख रहा, अच्छा उधर देख, नहीं दिख रहा है, अच्छा एक्स, अब दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक, यस सर, How cancer cell differ
फ्रॉम नॉर्मल सेल। पॉइंट है नॉर्मल सेल्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, लिमिटेड लाइफ स्पैन, दे आर यूजुअली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स थ्रू सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ठीक है। नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ड्यू टू this property, they contact with other cell, they are uncontrolled uncontrolled growth. Cancer cell seem to have lost their property. Cancer cells do not respond to normal growth control mechanism. This uncontrolled growth is called tumor or neoplasm. सारा कुछ दिख रहा है नीचे तक? नो सर, नीचे वाला नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, पहले ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लिए। ठीक।
करते हैं, टाइप ऑफ ट्यूमर। टू टाइप, पहला है बेनाइन ट्यूमर, इट रिमेन कन्फाइंड confined to the site of its origin and does not spread to other parts of the body. It causes limited damage to the body. ठीक है। अब दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज फास्ट ग्रो slowly, no symptoms are noticed. This stage is called latent stage. ठीक है। The tumor later grow quickly. The cancer cell go beyond add adjacent tissue and enter the blood and lymph. Blood and lymph. Once this happen, they migrate to many other sites. Phenomenon in which cancer cell
टू कैंसर सेल स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट थ्रू डिस्टेंट साइट थ्रू बॉडी फ्लूइड fluid to develop secondary tumors is called metastasis. चलो इसको स्क्रीनशॉट लो. यस सर, हो गया. हो गया ना. चलो properties of cancer cell. Pahla property hai uncontrolled proliferative ability. Extra cellular growth factor not required. Growth factors are not required. तीसरा मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी न्यूक्लियस बिकम इररेगुलर irregular with abundant granules granules. Cancer cell resist induction of cell death which promotes development of tumor ट्यूमर. ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो प्रॉपर्टी को, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे.
काउज ऑफ कैंसर? ये सर हो गया। काउज ऑफ कैंसर में तीन काउज है, ठीक है। कैंसर पहला काउज है, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, एजेंट दैट कैन काउज कैंसर कॉल्ड कार्सिनोजेंस which belongs to three categories. पहला पॉइंट है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन they are agents or factors which bring about change in genetic material metric. They are of two types, radiations and chemicals. दूसरा पॉइंट है ट्यूमर प्रमोटर, दे प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विच have undergone oncogenic transformation transformation example में some growth factor and hormones. तीसरा ट्यूमर वायरस. Some virus are known to directly get it. Some virus are connected to oncogenic transformation. ये हो गया, ठीक है। Yes, हो गया ना।
और है एक इसका बता देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोजन। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ है डायरेक्टली एग्जांपल हम बता देते हैं। फिजिकल में हम बताए थे, ठीक है, तो टोबैको, बिटर टोबैको, टोबैको के बाद टोबैको बिटल, उसके बाद हैवी स्मोकिंग, ये सब फिजिकल में है, ठीक है। के बाद एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है, ये फिजिकल में ATC कर दो, ठीक है। दूसरा है केमिकल एजेंट में कोल ऑयल, पेस्टिसाइड्स, के बाद फिर पेस्टिसाइड फूड, उसके बाद फिर है उसका कैफीन, निकोटीन, ये सब केमिकल में आ जाएगा। तीसरा है रेडिएशन में कौन है, एक्स रे कॉस्मिक रे, यूवी रे, ETC, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ में बायोलॉजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन, वायरस एंड पैरासाइट। तो इसमें वायरसेस एंड पैरासाइट्स, ठीक है, यही है इसका। और दो चीज बचा हुआ है, एक है तुम्हारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले ली। अब दो चीज बचा हुआ है, तुम उसको देख सकते हो। NCERT में डायग्नोस्टिक का जो है बता है, जैसे डायग्नोस्टिक के लिए CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल, पॉप टेस्ट, उसके बाद बायोप्सी, ये सब उसका डायग्नोस्टिक है। एंड ट्रीटमेंट के लिए वही चार है, केमिकल, सर्जिकल, उसके बाद फिर है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ये चार है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना NCERT से, ये टॉपिक खत्म हो गया, आज इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ड्रग्स थोड़ा सा पढ़ के आना, उसमें एग्जांपल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, समझना ज्यादा कुछ नहीं है, दो तीन चीज समझेंगे, बाकी सारा एग्जांपल्स है कि जैसे मान लो प्लांट का कौन सा पार्ट से, लीव से, स्टेम से, सीड्स से, कौन किससे बनता है, ये सब चीजें, तो छोटा सा चीज है, ज्यादा है ना, एक बार बस उसको रीड कर लेना। कल में भी कोशिश करेंगे कल चैप्टर खत्म करने का, नहीं तो एक और क्लास, मतलब और दो क्लास में कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना रहने दो, और इसको लिख लेना, मतलब डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट, ठीक है, चार वर्ड है ट्रीटमेंट में, ठीक है, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड सर्जरी, चार है। और डायग्नोस्टिक के लिए NCERT में देखना MRI, CT स्कैन, एक्सरे, हिस्टोलॉजिकल स्टडी, बायोप्सी, WBC कौन, तो इस तरह का तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और बेस्ट डिटेक्शन फॉर कैंसर लिख लेना साइड में, वो MRI है, वो हमेशा याद आएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता दिए,
क्योंकि वहां पे तीनों ऑप्शन चार ऑप्शन सेम रहेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बेस्ट डिटेक्शन एमआरआई का होता है। क्यों एमआरआई का होता है? क्योंकि एमआरआई एक ऐसा मतलब डायग्नोस्टिक मेथड है जिसमें बॉडी का हर एक छोटा छोटा इंटरनल ऑर्गन का इमेज हम लोग ले सकते हैं या फिर इसमें लिया जाता है, तो वो हो जाता है। ठीक है,